हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इजी बटर चिकन की रेसिपी। इसके लिए एक्स्ट्रा कोई भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, घर के इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे और एकदम झटपट बन के रेडी होगा। ना इसमें हम ज़्यादा काजू यूज़ करेंगे, ना ही ज़्यादा बटर यूज़ करेंगे, बस एक चम्मच बटर से ही इसे हम बना के रेडी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बटर चिकन मसाला रेडी करेंगे। एक सूखा पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे हम जिंजर और डालेंगे कुछ गार्लिक, दो अनियन चॉप्ड करके डालेंगे, दो टमाटो डालेंगे और डालेंगे कुछ काजू। काजू आप अपने हिसाब से ले सकती हो और अनियन, गार्लिक और जिंजर आपको चिकन के हिसाब से लेना है। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लिया है, एक कप पानी और 1 टेबलस्पून जीरा डाला है, कुछ खड़े मसाले साबुत गर्म मसाले डाले हैं और डाला है मैंने रेड चिली। अब इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल करेंगे और इसे अब ठंडा करेंगे और इसे ब्लेंड करके साइड में रख लेंगे। तो हम घर में खाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ सॉलिड नहीं सारे तरीके के चिकन लिया है। रेस्टोरेंट में बस सॉलिड में ही बनता है, आप अपने मर्जी से बना सकते हो। 500 ग्राम चिकन में हमने डाला है 50 ग्राम दही, डाला है 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून डाला है होममेड गरम मसाला, थोड़ा सा होममेड मैंने चिकन मसाला डाला है, ये टोटली ऑप्शनल है, थोड़ा सा लेमन डालेंगे और इसे मैरिनेट करके आधे से 3 घंटे तक रखेंगे। अब मैंने एक पैन को गर्म करके बस 1 क्यूब डाला है बटर का। बटर हम बहुत कम यूज़ करेंगे और इसमें हम एक एक करके चिकन को डालेंगे। अब चिकन को डाल के हमें अच्छे से इसे भुनना होगा, बहुत देर तक लो फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। इसे 20 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। देखिए बटर बहुत हद तक सूख चुका है और इसी बटर में हम कुकिंग करेंगे, तो चिकन को हम एक एक करके उठा लेते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से अगर कुक करेंगे तो जल्दी से हमारा बटर चिकन बन जाएगा और बटर का टेस्ट भी आएगा। आप चिकन को ऐसे ही खा सकते हो। सेम पैन में मैंने डाला है जो बटर चिकन मसाला बनाया था, उसे थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और मैरिनेशन जितना बचा था मैंने डाल दिया और पानी डाला है 1 कप। अब इसे मिक्स करेंगे और इस मसाले को हम 10 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे। मसाले को अच्छे से कुक करना इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हम चिकन के पीसेस डाल देंगे और इसे मिक्स करके फिर से हम 10 मिनट तक कुक करेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, ये थोड़ा सा थिक होता है। तो देखिए हमारी चिकन बनके रेडी है। लास्टली इसमें मैंने ऊपर से डाला है फ्रेश क्रीम, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल सकते हो, मैंने पुदीना डाला है। तो आप इस बटर चिकन को गर्मा गर्म सर्व कीजिए नान या फिर जीरा राइस के साथ, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। और देखा ना कितने कम इंग्रेडिएंट्स में और कितने हेल्दी वे में हमने बनाया है, बहुत ही कम बटर का यूज़ किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप बटर को हाफ भी कर सकते हो, चिकन से ऑयल निकलता है। तो इस बटर चिकन की रेसिपी को आप एक बार ना ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ना ज़रूर से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।